यह कहानी काल्पनिक है। कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कहानी की शुरुआत होती है, विमल अभी अभी ओयो होटल से घर पर आई थी। वह अपने सौतेले बाप के साथ बात कर रही थी। कहाँ थी बेटी, इतनी देर क्यों लगा दी, विमल उसे कहती है। अरे स्टेप डैड, आपको पता नहीं मैंने नया बॉयफ्रेंड बनाया है, तो मैंने टेस्टिंग के लिए ओयो होटल में गई थी। सौतेले बाप गुस्सा हो जाता है, यह तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं अपने बाप के साथ ऐसी बातें कर रही हो। विमल कहती है, अरे आप थोड़ी ना मेरे सगे बाप हो, आप तो मेरे सौतेले बाप हो। डैडी आई एम हंग्री, आपका खिलौना दिखाओ ना, बकवास बंद करो, नहीं तो थप्पड़ लगा दूंगा। फिर विमल उसे टट्टी दिखाती है। सौतेला बाप यह देखकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह विमल सुबह जल्दी तैयार होकर कॉलेज की तरफ जा रही थी, तभी उसके बाप ने उसे पूछा, कहाँ जा रही हो बेटी। विमल ने कहा, मैं फिर से ओयो होटल में जा रही हूँ वही बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि मुझे मजा आया था इसलिए आज फिर से खटाखट खटाखट करने का मन हो गया। तुम्हारी बातें मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगा। फिर उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन विमल सोफे पर बैठी हुई थी और कह रही थी अपने बाप को, डैडी घोड़ा बन जाओ ना आप, मैं राइड करना चाहती हूँ, आप अपना खिलौना दिखाओ ना। डैडी आई एम हंग्री। सौतेला बाप को भी इस बार बहुत ही गुस्सा आ रहा था। फिर क्या खटाखट 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 विमल को दो दिन तक पेलते रहे। दोस्तों आप भी मेरी तरह हर महीने लाखों रुपए कमाना चाहते हो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दी गई है, वहाँ से जाइए, फटाफट ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको 500 रुपए बोनस मिलेगा। ते हो